अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन टू सीआरपीसी, सेक्शन 22 सीआरपीसी, ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। जिस तरह हमने पढ़ा था कि जस्टिस ऑफ पीस के कुछ पावर्स हैं जो कि सेक्शन 22A में प्रोवाइडेड हैं, 1 to 6 हमने उनके सब क्लॉज भी स्टडी किए थे। आज हम पढ़ेंगे बी, यानी ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी कि कुछ रूल्स जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाए बनाती है फॉर एवरी जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया, उनमें जो उनकी ड्यूटीज हैं उनमें सबसे पहले नंबर ए में जो इंक्लूडेड है वो ये है, किसी भी इंफॉर्मेशन के मिलने पर, किसी भी इंसिडेंट के बारे में जो कि इन्वॉल्विंग हो ब्रीच ऑफ पीस के हवाले से, या कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस उस लोकल एरिया में जहाँ के वो जस्टिस ऑफ पीस हैं, इमीजिएटली उनको इंक्वायरीज होल्ड करनी है रिगार्डिंग सच मैटर और एक रिपोर्ट बनानी है इन राइटिंग, और वो उनके रिजल्ट्स जो है इंक्वायरीज के उसमें मेंशन करने के बाद वो शेयर करनी है विद नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एंड SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन। और अगर वो किसी ऐसे ऑफेंस के बारे में है जो कि कॉग्निजेबल है, देन दिस इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ जस्टिस ऑफ पीस टू प्रिवेंट रिमूवल ऑफ एनीथिंग, यानी कि वहाँ उस एरिया में जहाँ पे वो इंसिडेंट अकर हुआ है वहाँ पे रिमूवल ऑफ एनीथिंग और इंटरफेयर, किसी भी किस्म का इंटरफेरेंस को रोकने के लिए जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, ताकि वहाँ पे जो है वहाँ से मौका मुलायजा यानी कि रिकवरी ऑफ थिंग्स की जा सके। रोक सकते हैं किसी भी किस्म की मूवमेंट, किसी भी किस्म की रिमूवल ऑफ थिंग्स को। अब सी में हम पढ़ते हैं कि व्हेन सो रिक्वायर्ड इन राइटिंग बाय अ पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस ऑफिसर को रिक्वायर है इन राइटिंग मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 14 यानी कि 154 से 176, ये जो होती है FIR ऑफ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, देन इन्वेस्टिगेशन, देन जो भी इस किस्म से हमारे स्टेटमेंट होते हैं विटनेसेस के होते हैं या जो भी हमारे स्टेटमेंट है अक्यूज के, उनके हवाले से अगर एक पुलिस ऑफिसर को रिक्वायर है तो वो हेल्प रेंडर कर सकते हैं किसी भी जस्टिस ऑफ पीस की फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 14 एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ बाय अ पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुम अ क्राइम इज बिलीव टू हैव बीन कमिटेड। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि एक्सपेक्ट टू डेथ है, अगर उस वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है बाय द जस्टिस ऑफ पीस। ठीक, ये जो हमने एक स्टडी किया होगा, आपने भी स्टडी किया होगा, 46 हमारे एक आर्टिकल है कानूनी शहादत ऑर्डर में, जहाँ पे हम ये जो है डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से हम स्टडी करते हैं जिसको, ये उसके हवाले से एक हमारा जो सेक्शन 22B का सब क्लॉज सी का जो हम टू हमने स्टडी किया वो उस हवाले से था।